कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसके बाद महापौर तथा पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया, जहां पर कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की है। कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने आज पीसीसी चीफ कमलनाथ रीवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया, जिसके बाद कमलनाथ ने पद्मधर पार्क में आयोजित आम सभा को संबोधित किया, जहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा तथा 45 वार्ड के तमाम पार्षदों के पक्ष में वोट करने की अपील की है। कमलनाथ ने रीवा में आयोजित सभा में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किस प्रकार समूचे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। वहीं कमलनाथ ने लोगों से अपील की है कि इस बार रीवा नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनाकर शहर को भ्रष्टाचार मुक्त करने में सहयोग प्रदान करें। आज रीवा के इतिहास बदलने का सबसे बड़ा मुद्दा है। रीवा जो उपेक्षित रहा, 23 साल से मेयर रहे रीवा में, आठों की आठों विधानसभा और मौका पर मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को और धोखा पर धोखा हुआ। क्या उम्मीद है चुनाव में? कई नेता भाजपा के आ रहे हैं, क्या मानते हैं इसको परिवर्तन? मैं समझा नहीं। पंचायत चुनाव में रीवा के कई दिग्गज नेता यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं, हार गए। ये तो पूरे प्रदेश में हो रहा है बहुत सारे, ये तो जनता आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल प्रशासन, पुलिस और पैसा बचा है। चलिए, गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।